हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहलाग और छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ही होंगे, हम भी ठीक है। तो आइए कर लेते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। और हमारी सासू माँ देखिए कमर में हाथ रख के खड़ी हुई है। मैं आ रही हूँ अभी देवरानी जी को लेके मार्केट से। तो मैंने कहा था खाना बनाए रखना, सासू माँ ने भात दाल बना रखा है। और बल छोंक ली तो तुई बल माना छोंकूँ, अगर कह चीज़ कम हो फिर मैं जान गई। तो दगड़ियों आप दाल छोंक लेते हैं, नहीं तो आज सासू माँ को ही शिकायत है कि दाल कैसे छोंकते हैं। छोंकोगे कि नहीं? ऐसा मत करो, हाँ या ना बोलो। होई कुन्ना हाँ छोंक कर ना पाल लता का छोंक दियो ना ली अल्ला ही छोंक दियो बाल मेरा। जब तक मैं घर ना हूँ मत तब तक ना छोंक नहीं चाहिए। एक डाल खुशान कितला और तेल का तो घी का तो डाल कितला? चार। ठीक है, एक डाल खुशान कितन बाल जो कि मैडम खुशियानी खा ही नहीं सकती है। और जिस दिन दोस्तों ना ज्यादा अगर सब्जी में मिर्ची हो जाती है ना, एक हाथ में चीनी लेके खाना खाती है। फिर डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे। तो आज मैं बना रही हूँ चावल की और नारियल की खीर। ये कच्चा नारियल मैंने कद्दूकस कर दिया, मैंने इतने टुकड़े बचा दिए हैं खाने के लिए ऐसे ही। और चावल को धो के पंखे में थोड़ा सुखा दिया, पंखे की हवा में। अब इनको मिक्सी में थोड़ा हल्का दरदरा पीस लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। और तो चावल मैंने मिक्सी में पीस दिया है, इसको एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस सूजी की तरह रखना है हल्का दरदरा। और अब इसको मैं हल्का तल लेती हूँ घी में। और इसको देखो ये भी यहाँ बैठ के सीख रही है कैसे बनाते हैं, अगली बार ये बना के खिलाएगी हमको, है ना किट्टू? कुछ भी बनाओ बस फ्रिज के ऊपर आके बैठ जाएगी, सीख ले ठीक है। तो घी भी हो गया है गरम, अब इसमें डाल देती हूँ चावल। अभी हल्के तल जाते हैं फिर दिखाती हूँ। ये इसको नींद आने लग गई देखते देखते। सीखेगा कौन किट्टू? कौन सीखेगा, तू सो जाएगी तो। अभी हल्के फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, फिर इसके बाद डालूंगी कढ़ाई में दूध। तो चावल निकाल दिया मैंने, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। इससे क्या होगा, दूध चिपकेगा नहीं तले में। और इसमें फुल क्रीम दूध डाल देती हूँ। तो दूध डाल दिया है, अब इसको उबलने देती हूँ थोड़ा। इसके बाद चावल और नारियल डालूंगी। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है खीर का, नींद भी पूरी हो गई है खीर के इंतज़ार में। आइए और सो गई, बस थोड़ी देर रुक जाओ और बन जाती है। अब नहीं करेगी इंतज़ार, सो जा। जब बन जाएगी फिर जगा दूंगी तुझे, ठीक है? तो दूध हो गया है गरम, अब इसमें चावल और नारियल डाल देती हूँ। ये डाल दिया इसमें,
अब भाई धीरे धीरे पकने देती हूँ इसको, फिर जब बन जाएगी फिर दिखाऊंगी। तो दोस्तों गौर से देखो इस चेहरे को, चाय बनाने में क्या कांड कर दिया इस चेहरे ने, कहाँ उंगली जा रही है मेरी, दिखा जरा क्या कांड किया तूने, दिखा जल्दी निकाल इससे। तो दोस्तों ये देखो, अभी बैक कैमरा करके भी दिखाऊंगी, इससे चाय बनाने को कहा और ये गैस फुल करके गई थी और चाय का ये सत्यानाश कर दिया इसने। ट्यूशन चली गई थी ना, चाय चूल्हे में था के ट्यूशन चली गई, और मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, और पानी चढ़ाया तो तूने कितनी फुल गैस करके इसने चढ़ाई थी, मेरे आने तक पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो रखा था। मैंने कहा यहाँ कहाँ से क्या कहते वो आग, हॉल भीतर तो बर्फ न हो आज। खीर बन गई और किट्टू खाने लग गई है, इसका इंतजार खत्म हो गया। अच्छी लग रही है तुझे ये, खाने में मस्त है, अभी कुछ पता नहीं है उसको, खा खा। तो दोस्तों खीर बन के हो चुकी है तैयार और मैंने बुबू को भी दे दी है और मम्मी लोग के लिए भी दे दी है, हर्षू को भी दे दी है, अब हम लोग भी खा लेते हैं, आप लोग भी देखो। हाँ हाँ, और हमारी बिल्लू ने भी देखो खा खा के पूरी कटोरी चाट दी है ये। ए बिल्लू खा दी है, खा दी है, ठीक है फिर हम भी खा लेते हैं। तो दोस्तों हो चुकी है शाम और हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है और अब चल देते हैं किचन में। तो देवरानी जी ने खीर तो बना दी है टाइम से, अब मेरी बारी है कि मैं खाना बनाती हूँ फटाक से, तो उसके बाद रुको भी काम कराना है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग में यहीं कर लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, और देखना मत भूलिएगा सुनीता सिंह यूट्यूब चैनल। बाय।